अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फरहान अंसारी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मुझे कोई वीडियो बनाने का अभी कोई ख़ास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, और छोटी मोटी गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप अपने छत पे एक छोटा सा टेरेस गार्डन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी छत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने इसको एक टेरेस गार्डन, छोटा सा मेरा प्यारा सा टेरेस गार्डन बना रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से पेड़ लगा रखे हैं। आप जानते हो कि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि हम लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि सबके घर में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे हों। आप समझ ही रहे हो, क्योंकि आजकल इस मौक का कितना ज़्यादा कहर है। आप ये देखो, ये सारी मेरी मेहनत के, सब सारा मेरे मेहनत का ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हुए हैं। इसमें मेरे पापा मदद करते हैं। मैं खुद इसमें पानी डालती हूँ, खाद वगैरह देती हूँ। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है लिली का पौधा, ये देखिए, ये एलोवेरा है। चलिए मैं आपको और आगे ले चलती हूँ कि मैंने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं अपनी टेरेस गार्डनिंग में। कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे करके आप भी इस तरीके से एक अपना खुद का सेल्फ टेरेस गार्डन बना सकते हैं, वो भी किसा बिना किसी की मदद के। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में माली रखो या बहुत पैसे खर्चा करो तब जाके आप अपने घर का एक पर्सनल टेरेस गार्डन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है, ये रोज़ प्लांट है। आप देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं दोस्तों, आप खुद भी अपना बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन कसम से ना, आप जब कर लोगे आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको खुद अपनी छत पे आने का मन करेगा बार बार। ये देखिए, गुलदावरी का सीज़न है, ये मैंने अपने हाथों से पूरी गुलदावरी लगा रखी है। आप देख सकते हो अभी इसमें बडिंग नहीं हुई है। ये देखिए, ये अमरूद का पौधा है, मैंने बहुत काम के पेड़ लगा रखे हैं ताकि टाइम पड़ने पर आपके घर पे ही सारी चीज़ें मौजूद हो सके। ये देखिए, ये मेहंदी का प्लांट है, हीना प्लांट। और इसके लिए सच बताऊँ तो आपको कोई गमलों की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपनी घर की जो प्लास्टिक वेस्ट है, आप देख सकते हो, ये मेरे यहाँ एक ड्रम था, मैंने उसको काट के इसमें अमरूद का पौधा, चाइनीज़ अमरूद लगा रखा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें अमरूद निकला भी है। ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगा रखा है मैंने, ये देखिए, ये तुलसी का पौधा है, ये पौधा, ये आपका है हिबिस्कस का पौधा यानी गुड़हल का पेड़। ये देखिए, खाद भी मैंने खुद ही बना रखी है, और ये कोई बहुत ज़्यादा केमिकल कोई खाद वाद नहीं है, ये बायो खाद है, यानी गोबर जो है उसको सड़ाया है, उससे ये खाद बनी है। आप देख सकते हो मेरे टेरेस पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखिए आप नोटिस करना दोस्तों, मैंने ज़्यादातर पेड़ अपने डिब्बों में लगा रखे हैं या ड्रम काट के लगा रखे हैं, क्योंकि इससे आपके घर का वेस्ट भी यूज़ हो जाता है और आपको बढ़िया चीज़ मिल जाती है पेड़ लगाने के लिए। ये देखिए, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स पौधा है, ये मेरे पास बहुत बड़े बड़े बहुत सारे इसमें के पेड़ हैं। अब देखिए, ये देखिए आप कितने बड़े गमलों में हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये टब था हमारा पुराना वेस्ट, हमने ये टब में पेड़ लगा रखा है। चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ कुछ ज़रूरी प्लांट्स जो आप लगा सकते हो अपने घर पे, वो भी बिना किसी के भी मदद के, खुद आप अपने से कर सकते हो। ये देखिए, ये पौधा कितना खूबसूरत है, ये नारंगी का पेड़ है। ये देखिए, ये भी मेहंदी प्लांट है, मेरी मम्मा को मेहंदी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे मेहंदी प्लांट मुझसे लगवा रखे हैं, खुद भी लगाए हैं उन्होंने।
ये अनार का पौधा है दोस्तों, देखिए आप अनार का पौधा भी हमने जो पेंट वेस्ट बचा हुआ था उसी के हम लोगों ने बकेट में लगा दिया। ये देखिए काफ़ी पेड़ हमने बकेट में पेंट की बकेट में लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों आप ये देखो, ये नींबू का पौधा है, ये देखो आप कितने सारे नींबू फले हुए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये लिली है, अभी लिली का सीज़न नहीं है, अभी इसमें कुछ दिन बाद बडिंग होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब आपका खुद का टेरेस गार्डन हो और आप आओ सुबह सुबह सारे पेड़ वगैरह को देखो। ये देखिए मैंने ब्रिंजल का भी पौधा लगा रखा है, ये देखिए देखा आपने, ये देखिए एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग का। ये देखिए आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं और ये सब बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहूँगी लेकिन ये वीडियो बन गई है मुझसे लंबी, चलिए जो भी गलती होगी मेरा पहला वीडियो है इसको इग्नोर कीजिएगा उन गलतियों को, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।